आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि असिम्प्टोट आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कब ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है? एस शेप्ड, ठीक है, एस शेप्ड, और इनमें फोर फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला जो फेज होता है वो कौन सा होता है? लैग, जो इनिशियल फेज है जहां पे कोई भी ग्रोथ शो नहीं होती। देन सेकेंड फेज क्या होता है? लॉग, जिसको हम फेज ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आ जाता है? फेज ऑफ डिसेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होगी? डिक्रीज। एंड लास्ट जो कर्व, लास्ट जो फेज आता है वो आता है असिम्प्टोट। और ये कब आता है? जब पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल हो जाती है कैरिंग कैपेसिटी के। ठीक है, तो दैट मींस आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज उसे सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। तो ये चीज़ आपका असिम्प्टोट स्टेज कब आएगा? जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी और ये कैरिंग कैपेसिटी है। सो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।